Awesome everybody, I hope you all are absolutely well. आज का हमारा टॉपिक है BSc in Computer Science. इस कोर्स में क्या क्या इसकी ड्यूरेशन है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या इसकी कोर्स फीस है. मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बताने वाला हूँ, कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूँ और कुछ जॉब्स एरियाज के बारे में आपको कुछ मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ. तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए बिना किसी स्किप करने के. तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. तो पहली चीज़ है कोर्स लेवल. तो देखिए ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है. मतलब देखिए अंडर आपको पहले ये अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसके आगे के आपको अगर कुछ करना है तो पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट. तो दूसरी है कोर्स टाइप. तो कोर्स टाइप ये डिग्री रहता है, ये एक डिग्री, एक वैलिड डिग्री है जो पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. तो ये आप कर सकते हो. उसके बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं. तो ये 3 साल का ये ड्यूरेशन रहता है, पर बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं कि वो 4 साल की भी कराते हैं. तो ज़्यादा ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज वो 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट कराते हैं. तो आप इतना ध्यान रखिए. और उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. 10+2 और साइंस ये बहुत ही कंपलसरी है. देखिए आपका 12th पास आपके होना चाहिए और साइंस कंपलसरी है. आप इतना याद ध्यान रखिए. उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की. तो एडमिशन प्रोसेस देखिए डायरेक्ट और एंट्रेंस टेस्ट. तो डायरेक्ट मतलब आपके 12th का रिजल्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट आपको एडमिशन होएगा, नहीं तो आप एंट्रेंस टेस्ट. क्योंकि बहुत ही फेमस है आजकल के, मतलब जो भी कॉलेजेस है वो नए एंट्रेंस टेस्ट चालू करवा रही है. मतलब आप उस एंट्रेंस टेस्ट को आप पास कीजिए, फिर ही आपकी एडमिशन हो सकती है. तो उसके बाद बात करते हैं कोर्स फीस की. तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप अपनी एडमिशन करवाते हो तो आपका बहुत सस्ते में आपका काम बीएससी का आपका पूरा कोर्स हो जाएगा. पर अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी एडमिशन करवा रहे हो तो आपको 1 लाख तक, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी पैसे जा सकते हैं बीएससी 3 साल के कोर्स के लिए. मतलब आपका 15,000 से लेकर 1 लाख में आपके बीच में आपका ये पूरा बीएससी का कोर्स हो जाएगा 3 साल का. उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की. तो देखिए ये इनिशियल बेसिस पे से 3 से 7 लाख एनम, मतलब पूरे साल में आप इतना कमा सकते हो. आपकी पर मंथ 15,000 तक आप कमा सकते हो इनिशियली. देखिए आप जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका जो पेमेंट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी. तो अभी हम बात करते हैं आगे टॉप कॉलेजेस के बारे में. मतलब मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस के नाम मैंने निकाल के रखे, अगर आप इन कॉलेजेस में आप जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी आपको हायर करने के लिए. तो पहला आता है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दूसरा है फर्गुसन कॉलेज पुणे, थर्ड सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, फोर्थ मिटीबाई कॉलेज मुंबई, फिफ्थ देव कॉलेज चंडीगढ़, सिक्स्थ माउंट कैमल कॉलेज बैंगलोर, सेवन्थ हंसराज कॉलेज दिल्ली. तो ये कुछ कॉलेजेस के नाम है. अगर आप इन कॉलेजेस में अगर आप जाते हो एडमिशन अपना करते हो तो आपको बहुत सारी कंपनीज आपको आएंगी हायर करने के लिए. उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस और मेन सब्जेक्ट्स के बारे में. तो देखिए फर्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड प्रोग्रामिंग इन सी, थर्ड मैथमेटिक्स. देखिए मैथमेटिक्स तो होना कंपलसरी चाहिए, आपको पता है बीएससी मैथ्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, डेटा स्ट्रक्चर, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, जावा प्रोग्रामिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग. तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में आएंगे. तो आप इतना ध्यान रखिएगा. तो उसके बाद हम बात करते हैं कौन से ऐसे टॉप कंपनीज है जिनमें आपको जाना चाहिए. तो फर्स्ट है विप्रो टेक्नोलॉजीज. अगर आपकी विप्रो में जॉब लग गई तो मतलब आप समझ लीजिए आपकी फ्यूचर मस्त बहुत ही अच्छा सेट है. उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को हायर करती है, जैसे कि कॉन्गजेन टेक्नोलॉजीज, IBM ग्लोबल सर्विसेज, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज एंड एसेंचर. ये ऐसी कंपनीज है जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को हायर करती है. तो आप इन कॉलेजेस इन कंपनीज के ऊपर आप अपनी नज़र रखिए. बहुत ही मतलब बहुत सारे बच्चों का ड्रीम रहता है कि हम इन कंपनीज में हमारा प्लेसमेंट हो जाए. उसके बाद हम बात करते हैं जॉब्स एरियाज के बारे में. आप कौन से सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो. देखिए आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में आप जा सकते हो, MNS टेक्निकल सपोर्ट विंग्स में आप अप्लाई कर सकते हो, MNS CS IT विंग्स में भी आप
अप्लाई कर सकते हो, आप आईटी कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, उसके बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स में भी कर सकते हो। देखिए प्राइवेट है, प्राइवेट में आपको इंटरव्यूज लिए जाएगी और गवर्नमेंट बैंक्स में उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको उसको क्लियर करके आपका आपको जॉब्स लग सकती है। उसके बाद आप कंसल्टेंस कर सकते हो, कंसल्टेंस आप खुद का भी कर सकते हो, नहीं तो आप किसी प्राइवेट फॉर्म में भी आप एज अ कंसल्टेंस आप ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब आप प्रोफेसर लेक्चर टीचर आप बन सकते हो ऐसे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के, तो आप बच्चों को ये सिखा सकते हो। उसके बाद आप मोबाइल कंपनीज में जा सकते हो, मोबाइल कंपनीज मतलब आपको एंड्रॉयड डेवलपर वेब डेवलपर की इसमें काम रहता है तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब आपको इसमें आप बच्चों को कंप्यूटर के बारे में आप सिखाओगे, उनको कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, आपको खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस कंपनी, इसमें आप साइबर क्राइम के ऊपर पढ़ते हो, साइबर लॉस के बारे में आप पढ़ते हो, उस हिसाब से आप आगे जाके आप बच्चों को ये सब चीज़ आप बता सकते हो कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉस क्या होता है। तो आपको ये सब कुछ सेक्टर्स थे जिनमें आपकी जॉब लग सकती है आफ्टर BScS इन कंप्यूटर साइंस में। तो ये मेरा पूरा वीडियो था BSc इन कंप्यूटर साइंस में, आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, अगर आपको उनमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उन कोर्सेज के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो की में, तब तक के लिए।